let's make some curd rice. हम इसे बनाएंगे with a little bit of twist. देखते जाइए. सबसे पहले आप लीजिए एक पैन, उसे गैस पे रख के थोड़ा गर्म कीजिए. थोड़ा सा तेल डालिए. जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए, उसमें हम डालेंगे राई यानी सरसों के सीड्स. अब इसमें डालिए थोड़े से करी पत्ते. और ध्यान रखिएगा, जब भी राई पड़ता है तो वो थोड़ा उछल उछल के तेल आता है. अब इसमें आप डालिए थोड़ा सा जिंजर. अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी उड़द दाल और थोड़ा सा चने का दाल. अब इसे थोड़ी देर भूंजने देंगे और ये तैयार हो गया हमारा तड़का. अब आप लीजिए एक बड़ा बोल, उसमें हम डालेंगे दही. अब आप दही को अच्छे से विस्क कर लीजिए ताकि वो नाइस एंड क्रीमी हो जाए. ओके, अब इसमें हम डालेंगे राइस. अगर आप चाहें तो आपके अगर पिछले दिन की दिन का राइस पड़ा है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं. अब इसे अच्छे तरह से मिला लीजिए. यूजुअली तो कर्ड राइस सिर्फ राई के तड़के के साथ बनता है, लेकिन इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काजू और थोड़ा सा अनार. ओके, ये हो गया काजू. अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा अनार. Look at the beautiful color that's coming. और थोड़ा सा हम रखेंगे फाइनल गार्निशिंग के लिए. ओके, अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि काजू और अनार पूरी तरह से अंदर चले जाए. मैं इसमें अभी नमक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि जब मैंने राइस बॉईल किया था तो मैंने उसी में नमक डाल दिया था. ओके, ये अब मिक्स हो गया है. अब हम थोड़ा सा धनिया चॉप कर लेंगे. बारीक धनिया चॉप कर लीजिए. और अब जो हमने तड़का बनाया है राई दाल और कड़ी पत्ता का, उसे आप ट्रांसफर कर दीजिए इस बोल में. अब एंड में हम इसमें डाल देंगे फ्रेशली चॉप्ड कोरिएंडर यानी धनिया. एक बार फिर से इसे मिक्स कर दीजिए. A nice blend of colors and nutrition. And there, it's almost ready. लेकिन अब क्योंकि ये बच्चों के लिए है, इसे थोड़ा सा और अपीलिंग बनाएं, मैंने एक सनफ्लावर मोल्ड लिया है. ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे. आप चाहें तो कोई भी शेप किसी भी कलर का ले सकते हैं. अब इसमें हम ट्रांसफर करेंगे कर्ड राइस जो हमने बनाया है, लेकिन पहले थोड़ा डेकोरेशन करते हैं. Now, जो कर्ड राइस बनी है उसे इस मोल्ड में आप ट्रांसफर कर दीजिए. ध्यान रखिए कि ज्यादा दही ना डालें क्योंकि अगर मिक्सचर ज्यादा गीला हो जाएगा तो डीमोल्ड होने में तकलीफ होगी. इस पूरे मोल्ड को अच्छी तरह से भर लीजिए और भरने समय इसे दबाते रहिए ताकि गैप्स ना रह जाएं. Okay, this is almost ready. अब इसे हम डीमोल्ड करेंगे. डीमोल्ड करने के लिए आप एक प्लेट की मदद लीजिए, उसके ऊपर इस बोल को रखिए एंड फ्लिप. ऑलराइट, वाला तो तैयार है हमारा क्विक फिक्स. फूड फूड इट्स सिजलिंग.